शाहरुख खान का लुका छुपी का गेम एक बार फिर से चालू हो गया है। उन्होंने फिर से अपना चेहरा अपनी हुडीज और छाते से ढकना स्टार्ट कर दिया है, जिसके कुछ क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि शाहरुख ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने 2023 में बैक टू बैक 3 ब्लॉकबस्टर दी है, उनका तगड़ा कमबैक हो चुका है, उसके बाद अब अपना चेहरा हाइड करना ये कौन सा टोटका है। हालांकि अगर ध्यान से नोटिस करें तो आपको एक इस बात का क्लू भी मिलता है कि कहीं शाहरुख ने अपनी किसी नई फिल्म की शूटिंग तो शुरू नहीं कर दी है, क्योंकि अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो पता चलता है कि कैसे शाहरुख ने अपनी तीनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान खुद को ऐसे ही कवर करके रखा हुआ था ताकि किसी का भी लुक पहले रिवील्ड ना हो और ना ही किसी को उनके किरदार का कोई अंदेशा भी लगे। बात करें शाहरुख के इस वीडियो की तो हुआ यूं कि किसी इवेंट से शाहरुख जब अपनी गाड़ी की ओर जा रहे थे तो पेपराजी उनकी तस्वीरें लेने लगे। इस दौरान शाहरुख का पूरा चेहरा उनकी हुडी से ढका हुआ था। इसी बीच शाहरुख ने अपनी तस्वीरें ले रहे एक कैमरामैन के कैमरा को धकेल भी दिया, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। हालांकि इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर क्यों शाहरुख ने अपना चेहरा छिपा रखा था, मगर इसके बाद कयासबाजी तेज हो गई है कि शाहरुख ने अपनी आने वाली फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में खबर आई थी कि शाहरुख जनवरी के एंड तक अपनी 3 फिल्में अनाउंस कर सकते हैं, जिसके बाद वो इनकी शूटिंग भी स्टार्ट करेंगे। अभी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ये माना जा रहा है कि शाहरुख अपनी नेक्स्ट मूवी के काम पर लग गए हैं और वो हाल फिलहाल उसके लिए एक नया लुक क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वो बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। वहीं कई ऐसे भी फैंस हैं जो इसे धूम 4 के साथ जोड़ कर देख रहे हैं। फिलहाल शाहरुख की किसी भी फिल्म पर कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।